नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं सॉफ्ट सेंटर चॉकलेट। ये एकदम इजी तरीके से बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सॉफ्ट सेंटर का फिलिंग बना के लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मिल्क मेड। आपके घर पे जो भी चम्मच रहेगा उससे आप मेजरमेंट लीजिएगा। 1 टेबलस्पून डालेंगे आइसिंग शुगर। और यहाँ पे हमें लेना है ऑयल बेस्ड इसेंस। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी इसेंस लिया है। चॉकलेट में ऑलवेज ऑयल बेस्ड इसेंस जाता है। 2 से 3 ड्रॉप इसमें हम डालेंगे। और डालेंगे हम पिंक कलर। यहाँ पे हमें कलर भी ऑयल बेस्ड कलर ही लेना है। इसे हमें आटे जैसे गूंदना है। इसमें हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा पानी और इसे हम गूंद के लेंगे। ये देखिए अच्छे से गूंद गया है। अभी इसमें से मैं थोड़ा सा एक पीस लूँगी। जो आपके मोल्ड का शेप रहेगा उससे वैसे आपको ऐसे छोटे छोटे लोही बना के लेना है। मेरा जो मोल्ड है वो ओवल है, तो मैं ओवल शेप में बना रही हूँ। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करके लिया है। इसे कैसे मेल्ट करना है इसका कंप्लीट रेसिपी मैंने मेरे पेज पे डाला हुआ है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चॉकलेट मोल्ड को हमें कंप्लीट फिल नहीं करना है, हमें थोड़ा थोड़ा ही इसे फिल करना है। ये फिल हो गया है। अभी इसे हम थोड़ा इसे टैप करके लेंगे इक्वल करने के लिए। और जो हमने स्ट्रॉबेरी फिलिंग बनाई है वो हम इसमें रखेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये देखिए ऊपर से हम चॉकलेट डाल के इसे हम कम्प्लीटली पैक करके लेंगे। जब आप चॉकलेट बनाते हो तब टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसका मैंने वीडियो मेरे पेज पे डाला हुआ है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, तो आप ज़रूर देखिएगा। चॉकलेट फिल हो गया है। अभी इसे हम टैप करके लेंगे, जो एक्स्ट्रा एयर रहेगा वो निकल जाएगा। अभी इसे हम फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए। हमें फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। चॉकलेट अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए टैप करने के बाद ये गिर रहा है, मतलब ये चॉकलेट को कहाँ भी स्वेटिंग नहीं है, मतलब ये परफेक्ट टाइम पर सेट हुआ है। ये साइड का जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो हम ऐसे चूरी से निकाल के लेंगे। सॉफ्ट सेंटर फिलिंग चॉकलेट बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।